small and medium businessmen, especially hoteliers and restaurant owners, are suffering huge losses in Gizar district of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan, as they have been facing severe lockdown for over 3 months amid COVID-19 outbreak. Owners say they have run out of the savings and they cannot pay their employees anymore. हमारे पास तकरीबन 6-7 मुलाजिम हैं, रोजाना के हिसाब से हम काम पेमेंट कर रहे हैं। 3.5 महीने हमारा बंद हो गया, 3.5 महीने तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये तो हम सिर्फ तनख्वाह में हमारा पे कर रहे हैं। अभी तक तो हमने पे किया है, लेकिन इससे आगे हमारे पास पे करने की भी गुंजाइश नहीं, और वो लोग हमारे पास पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेरोजगार और गरीब लोग, वो कहाँ जाएंगे? हम तो वैसे भी गुजारा करेंगे, लेकिन हमारा मजदूर का मसला है, इसलिए हमें गवर्नमेंट जो है ना हमारे कुछ माली मुआयना करें, या हमें कोई ऐसी चीज दिखाए कि हम इस तरह करें, बिल्कुल मुकम्मल बंद करके लॉकडाउन करके हम बैठ नहीं सकते, ऐसे भी इसका हम ख्याल करेंगे और जो है ना सारा सिस्टम हम करेंगे, या तो हमें पैकिंग करके देने के लिए भी इजाजत दे दी गवर्नमेंट, वो भी हमें। गिलगित बल्तिस्तान इज अंडर पाकिस्तान्स फोर्सफुल ऑक्यूपेशन, वेयर द गवर्नमेंट हार्डली केयर्स अबाउट देयर कंसर्न्स। The small businessmen in the region continue to allege discrimination by Islamabad. Pakistan jis tarah ho raha hai is tarah hamare paas nahi ho raha hai. Hamare paas mukammal lockdown hai aur ek puri ehlekar aata hai wo bhi band kar ke chala jata hai. Gilgit mein bilkul khula hai, Gizar mein khula hai aur hamare paas agar Gizar mein ek naya kanoon bana hua hai, matlab mukammal taur par jahan एक पुलिस आकर बंद करके चला जाता है, दूसरा आकर खोलो करता है, तीसरा आकर बंद करो करता है, तो होटल का काम है हम इस तरह नहीं कर सकते, हम पका कर रखेंगे तो एक आकर बंद करो बोलता है, वो सारा हम फेंकते हैं, फिर हमें और नुकसान पड़ जाए। गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डरिंग चाइना शिनजियांग रीजन हैज रजिस्टर्ड ओवर 700 कोरोना वायरस केसेस एंड द गवर्नमेंट हैज एब्रप्टली इम्पोज्ड लॉकडाउन फेयरिंग एन आउटब्रेक ड्यू टू पुअर मेडिकल फैसिलिटीज।